एक शादी में क्या होता है? एक दूल्हा होता है और एक दुल्हन, दोनों साथ फेरे लेते हैं और जीवन भर के लिए एक दूसरे के हो जाते हैं। लेकिन एक दुल्हन और तीन दुल्हनें, ऐसी शादी आपने शायद ही कभी देखी या सुनी होगी। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं मध्य प्रदेश के आदिवासी बाहुल्य अलीराजपुर जिले की, जहाँ एक दुल्हे ने अपनी तीन प्रेमिकाओं के साथ सात फेरे लिए। देखिए ये खास रिपोर्ट। मध्य प्रदेश के अलीराजपुर में एक अनोखा विवाह हुआ। पूर्व सरपंच ने एक ही मंडप में अपनी तीन प्रेमिकाओं से एक साथ शादी की। दुल्हे ने शादी के कार्ड में छपाया तीनों दुल्हनों का नाम। शादी में बाराती बने इनके छह बच्चे। मध्य प्रदेश के आदिवासी बाहुल्य अलीराजपुर जिले में एक दुल्हे ने आदिवासी रीति रिवाज से अपनी तीन प्रेमिकाओं के साथ सात फेरे लिए। दुल्हे ने यह शादी अपनी तीनों प्रेमिकाओं के छह बच्चों की मौजूदगी में रचवाई। दुल्हा नानपुर इलाके का पूर्व सरपंच भी रह चुका है। दुल्हे समरथ मौर्या और उनके बच्चे इस शादी से काफी खुश नजर आए। सभी बच्चों ने शादी समारोह में जमकर डांस भी किया। इस दौरान स्थानीय लोग भी शादी समारोह में शामिल हुए। वहीं शादी के निमंत्रण कार्ड में दुल्हे के नाम के साथ उसकी तीनों प्रेमिकाओं का नाम भी लिखवाया गया। बता दें कि आदिवासी भिलाला समुदाय में लिव इन में रहने और बच्चे पैदा करने की छूट है, लेकिन जब तक विधि विधान से शादी नहीं होती तब तक ऐसे लोगों को समाज के मांगलिक कार्यों में शामिल होने की इजाजत नहीं होती। इसीलिए 15 साल साथ रहकर और छह बच्चों के होने के बाद समर्थ मौर्या ने अपनी तीनों प्रेमिकाओं के साथ शादी रचाई। गौरतलब है कि भारतीय संविधान का अनुच्छेद 342 आदिवासी रीति रिवाज और विशिष्ट सामाजिक परंपराओं को संरक्षण देता है। इसीलिए इस अनुच्छेद के अनुसार समर्थ मौर्या की एक साथ तीन दुल्हनों के साथ शादी गैर कानूनी नहीं मानी जाएगी। ये जो लड़की भगा के लेके आते हैं उसमें उस व्यक्ति को अगर ये शादी नहीं होती है तो अन्य जो परम्परा दूसरे छोटे भाई की बहन की शादी होती है तो उसमें ये रीति रिवाज मेहंदी हल्दी कुछ भी ये नहीं कर पाता है, तो इसलिए ये शादी करना अनिवार्य है। इस शादी की यही विशेषता है कि ये शादी हो जाए तो दूसरे भाई बहन जिसमें खुद भी काम तो कर सकता हो, उसके बाद तीन आज मेरे पापा की शादी है। आज हमारे यहाँ सब रीति रिवाज कर रहे हैं और सभी लोग आए हैं हमारे यहाँ और फुल इंजॉय हो रहा है हमारे यहाँ और सभी को धन्यवाद। हमारा पहले गरीब परिवार थे और उस कारण से हमारी शादी नहीं हो पाई थी। जैसे मांगनी हमने करी थी तो वो तीन जगह के मांगनी कर ली, उसके बाद नहीं माना, उसलिए शादी हमारा जो कुलदेवी पूजाती है हमारे वो तिलक नहीं लगता। और हमारे घर में जो बच्चे बच्ची है और कोई को भी शादी हुई जब तक फेरे नहीं घूमता उनको अंदर नहीं जान देते, तो और हमारे पूरे मुल्ले वाले जो रहते गांव वाले जो कुल कुल देवी कुल जो हमारे देवी वाले रहते पूजने वाले वो अंदर घुसने नहीं देते, उस कारण से फिर आप घूमना पड़ता हमारे को। तीनों के साथ फेरे लेंगे आप? हाँ, तीनों के साथ ले लेंगे। फेरे लेकर समाज के सभी समाज के साथ रहेंगे, शामिल हो जो आदिवासी के नियम जो परम्परा है उसके साथ रहेंगे। जो हमारे आदिवासी में अगर भगा के लड़के ले जाते तो उसके बाद हल्दी नहीं लगती, उनके तब हल्दी लगना सब चालू हो जाए। कोई भी कारोबार आप किसी कार्य करेंगे तो वहाँ रुकेंगे नहीं, हम शुभ काम ने भी हम रहेंगे। सर ये शादी है ना, जैसे आज से 20 साल पहले मतलब इन्होंने जो शादी हो रही ना लेके भागा था, आज मतलब तीनों को लेके भागा था। और जैसे लेके भागते हमारे जैसे संस्कृति आदिवासी में है, अगर शादी नहीं करते ना जब तक कई
दूसरी शादी जैसे सामूहिक विवाह होते हैं वहाँ पे मतलब कहीं भी रीति रिवाज नहीं करने देते, जब तक उसकी शादी होगी जब उसको सभी जो भी रीति रिवाज करवाते हैं, मतलब आज से उसको सभी रीति रिवाज में उसको शामिल कर लेंगे। जैसे हाँ शादी नहीं करेंगे तो मरने के बाद भी उनको मतलब जैसे मांडवा बांधते हैं, शादी नहीं करेंगे तो उसके लिए मांडवा भी नहीं बांधते, वही ग्यारस भर के न वही रीत भात उनकी करते हैं। उनके हैं बड़ी वाली के एक लड़का है, चार लड़की है, और उस सेकंड वाली के एक लड़का है और थर्ड वाली का भी एक ही लड़का है, मतलब कुल सात, हाँ सात बच्चे हैं। अच्छा लग रहा है, माहौल अच्छा है सभी। ये अलीराजपुर डिस्ट्रिक्ट है, ग्राम नानपुर, गांव मोरीफलिया। करीब 5 साल पहले दूल्हे समरथ की माली हालात अच्छी नहीं थी, इसीलिए वह अपनी प्रेमिकाओं के साथ शादी नहीं कर पाया था। ब्यूरो रिपोर्ट, MP न्यूज, जोबट।